सो कोरोलरी टू के बारे में अगर मैं बातचीत करूं आप लोगों से, तो व्हाट वाज कोरोलरी टू? कोरोलरी टू राइट, ये था इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। मैंने इसका प्रूफ भी बताया था कि एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस, ये बताया था। और एन की वैल्यू जो है माइनस वन नहीं हो सकती है, क्योंकि एन की वैल्यू माइनस वन होगी तो ये जीरो हो जाएगा और डिफाइन नहीं होगा। इसका प्रूफ हमने दिया था सब्स्टिट्यूशन से, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर इसका एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं, देखिए जैसे अगर मैंने बोल दिया मान लो थोड़ी देर के लिए कि जैसे कैसे जैसे मान लो टू एक्स, आई गिव यू अनदर एग्जांपल, जैसे लेट से इंटीग्रल है, ठीक है, साइन टू एक्स प्लस फाइव राइट टू द पावर थ्री है ना, इनटू ट्वाइस इनटू कॉस ऑफ टू एक्स प्लस फाइव राइट। ठीक है सर जी, ये क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? हेलो हेलो हेलो, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अगर ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स प्लस फाइव टू द होल पावर थ्री इंटू टू कॉस टू एक्स प्लस फाइव, तो एक मैं समझा देता हूं पहले। देखो अब इस फॉर्मूले से, देखो इस कोरोलरी नंबर टू से हो तो रहा है एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, साइन टू एक्स प्लस फाइव है, एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टू एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फाइव का इंटू टू, डिफरेंशिएशन ही है। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या आनी चाहिए, अगर ये याद है तो ये झट से ध्यान में आनी चाहिए कि अच्छा ये एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन एफ डैश एक्स है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन। अच्छा मतलब साइन टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर एन प्लस वन मतलब फोर हो जाएगा, थ्री की जगह एन की जगह यहाँ पे क्या है थ्री है, फोर बाई फोर। अब ये तो आंसर होनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग, है कि नहीं, इस कोरोलरी नंबर टू से ये आंसर होना चाहिए, हाँ या ना? बाकी स्टूडेंट्स बताइए, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब कुछ लोगों को हो सकता है कि कभी ये ध्यान में ना आए, तो हम नहीं ध्यान में आ रहा ना तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर ये कोरोलरी याद नहीं भी रहता है तो यू कैन इजली सॉल्व इट। हाउ? तो अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो साइन टू एक्स प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन जो है टू कॉस टू एक्स प्लस फाइव होता है राइट। सो व्हाट आई विल डू, पुट साइन टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टी राइट। और एक्चुअली ये कोरोलरी टू का प्रूफ सब्स्टिट्यूशन से ही तो दिया गया है, इसीलिए हमको हक है राइटली कि डायरेक्टली हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स फिर निकालोगे आप, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और टू एक्स प्लस फाइव का इंटू टू, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, टू कॉस टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स, इसके जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा है ना, और साइन टू एक्स प्लस फाइव की जगह टी रख लो आप, तो टी क्यूब इंटू टू कॉस टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स की जगह डी टी रख, तो इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब कितना हो जाएगा, टी रेस टू फोर बाई फोर प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, वी है साइन टू एक्स प्लस फाइव रेज टू फोर बाई फोर। क्या ये दोनों आंसर सेम आया क्या, बताओ ये आंसर हो गया, समझ में आया क्या सभी को, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या, बताइए। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पता है क्लियर है तो जस्ट बताइए कि हाँ सर क्लियर है,
ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर सर? ओके क्लियर सर? गुड, इसको लिख ले। और ये कोरोलरी नंबर टू था, कोरोलरी नंबर थ्री पे जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कोरोलरी थ्री का आप लोग खुद से प्रूफ कीजिए सब्स्टिट्यूशन के ही मदद से, है ना। हो गया क्या, सबने लिख लिया? कैन यू गो अहेड? ओके, सर सर इसमें हम अंदर जो फंक्शन है उसको अलग से नहीं इंटीग्रेट करते हैं? कौन से अलग से, जैसे कौन से फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? इसमें एक तो एक्स क्यूब है, अगर हमने साइन टू एक्स प्लस फाइव को एक्स कंसिडर किया तो, और दूसरा फंक्शन साइन टू एक्स प्लस फाइव। नहीं, एसेंडेड फंक्शन क्या है यहाँ पे? साइन टू एक्स प्लस फाइव है, तो अलग से इसको कर ही नहीं सकते, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, जब भी करना होगा इसको कुछ तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, अदरवाइज आप कोरोलरी नंबर टू का हेल्प लेके यूज करिए। मल्टीप्लीकेशन है, जैसे ये मल्टीप्लीकेशन, जैसे तुम ये बोल रहे हो ना कि इसका अलग से और इसका अलग से। यस सर, सर जैसे हमने डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रहता था तो आप अलग से करते थे थोड़ी, वो प्रोडक्ट रूल लगाते थे ना, यूबी रूल। यस हाँ, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन में अगर प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे इंडिपेंड, या तो बीच में प्लस माइनस रहेगा तो ही अलग से आप, जैसे डिफरेंशिएशन के केस में अगर प्लस माइनस बीच में रहता है तो आप इंडिपेंडेंट कर सकते थे अलग अलग, लेकिन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होता था तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप प्रोडक्ट रूल यूज करते थे, हाँ या ना? Yes. और डिवीजन के लिए कोसेंट रूल यूज करते थे। तो यहाँ भी जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर रहता है तो आइडियली आप, देयर इज समथिंग कॉल्ड बाय पार्ट्स रूल, जो कि अभी आगे, अभी जस्ट फर्स्ट बैच में फिनिश हुआ है, आप लोग को अभी आगे वो पढ़ाया जाएगा, तो ये भी प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे ऑलरेडी इसके लिए अलग तरीका है कोरोलरी नंबर टू से। ऑलरेडी ये दिख रहा है एक फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन ही है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हुआ, तो सब्स्टिट्यूशन से इजी होगा, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, गलत माना जाए। समझ में आया क्या? कोरोलरी नंबर थर्ड राइट, लिखिए। इंटीग्रल ऑफ, ये सारे फॉर्मूले याद रखना है, समझ कर, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आप मॉड के अंदर दें बिकॉज ये पॉजिटिव ही डिफाइन होता है, तो आप log of f of x plus c। आप इसका प्रूफ आप लोग दे सकते हो सब्स्टिट्यूशन की मदद से, आप लोग ट्राई करना चाहेंगे बताइए। इसमें f of x को t लो और फिर सॉल्व करो, ठीक है, बताओ प्रूफ देना है इसका, डिराइव करना, इसको इंटीग्रल निकालना है, तो सिंपली प्रूफ आप एज्यूम कर ले कि लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को टी आप एज्यूम कर ले, ठीक है, पुट एफ ऑफ एक्स बराबर टी है डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स राइट, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, डी टी, और एफ ऑफ एक्स की जगह टी, वन बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है लॉग टी प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो आप log ऑफ f ऑफ x प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन। आंसर क्या नहीं है, प्रूव है, तो
प्रूफ हमने कर दिया। अभी ये याद रखना है कि किसी भी इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स अगर है ना, तो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है। मतलब अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है तो वी राइट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? बताइए क्लियर है सर, एक सेकेंड। दिस वाज ऑल अबाउट कोरोलरी नंबर 4। सर बोलिए सर, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना कोरोलरी नंबर। इसमें सिंपल हमने ये बताया कि इसका इंटीग्रल निकालना है f dash of x by f of x dx। so, f dash x मतलब क्या, f of x का डिफरेंशिएशन है, इसका log of f of x है। तो हमने क्या सोचा कि ठीक, इसका मान लिया कि जो i equal to है, that will be integral of f dash of x by f of x dx। ठीक है, अब हमने सोचा कि f of x को t assume किया, तो जैसे ही f of x को हमने t assume किया तो dt by dx जो होता है वो f dash x हो गया। डी टी बाई डी एक्स जो होगा वो एफ डैस एक्स होगा, तो डी टी बराबर क्या हो गया, एफ डैस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो आई बराबर क्या होगा, तो एफ डैस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, तो डी टी रख दिया। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की जगह टी रख दिया, बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टी होगी। तो इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी प्लस सी, और t की वैल्यू उठाकर रख दिया एफ ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, बस यही तो था। बताइए। यस सर, समझे सर, एक ही मिनट में लिख लेता हूँ। किसी भी स्टूडेंट्स के इसमें अगर कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोरोलरी नंबर 4। सर एक ही मिनट, वो लास्ट वाला बचा था लिखना, एक मिनट। नेक्स्ट, व्हाट इज कोरोलरी नंबर 4? तो ये है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाय स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर ऐसा है, सेम है, बस अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है तो इसका जो इंटीग्रल होता है टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है। जरा इसका प्रूफ आप लोग देंगे, ट्राई कीजिए। ये है तो सेम, ये भी है, फिर से आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को टी एज्यूम कर दे, लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाय स्क्वायर रूट के अंदर क्या एफ ऑफ एक्स डी एक्स। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पुट एफ ऑफ एक्स बराबर टी इन दिस डी टी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, डी टी बराबर कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। आपको समझ में आ रहा है, आई बराबर एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, डी टी बाई रूट टी। रूट टी का मतलब क्या हो गया, टी का पावर माइनस हाफ डी टी। वेरी गुड मयंक, तो अब इसका इंटीग्रल निकाल लीजिए, माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस हाफ, हाफ ही रहने वाला है, प्लस मतलब टू
टी टू दी पावर हाफ प्लस सी, मतलब टू रूट टी प्लस सी, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी, मुझे नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस सी प्रूव हो गया। देखो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई और अंडर रूट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, टू रूट एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ राइट, आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं कि इंटेग्रल ऑफ टेन एक्स का जरा बताओ तो आप लोग बता सकते हो इंटेग्रल ऑफ टेन एक्स। अब ये कुछ फॉर्मूला, इसका मैं डेरिवेशन दे रहा हूं लेकिन आपको याद रखना है। टेन एक्स का जरा आप लोग बता सकते हो, चलो टेन एक्स का मैं सॉल्व करके पहले बताता हूँ फिर दूसरा आपको दूंगा। तो मान लो आई है टेन एक्स, अब टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो यहां पे क्या पुट कर देते हैं, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया माइनस साइन एक्स, डी टी बराबर कितना हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर ध्यान से देख रहे हो आप तो आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स है ना सर, तो माइनस एक माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे माइनस रहता तो डी टी लिख सकते थे, एक माइनस और यहाँ पे डी टी लगा दिया बाई कॉस एक्स मतलब टी। तो वन बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, एंड व्हाट इज टी, वी हैव कॉस ऑफ एक्स, एंड माइनस लॉग कॉस एक्स मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स रेस टू माइनस वन मतलब लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इंटेग्रल ऑफ जो टेन एक्स होता है वो लॉग ऑफ सेक एक्स होता है। अंडरस्टूड एवरीवन, बताइए टेन एक्स का जो इंटेग्रल होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अब ये याद रखना है टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, लिख लीजिए इसको, सी होता है। जरा नेक्स्ट है कॉटेक्स का, जरा इंटीग्रल बताइए कॉटेक्स का जो इंटीग्रेशन है आप जरा निकालेंगे, बताएंगे क्या होगा आप लोग, हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ एक्स बताइए। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन, इसको कंटिन्यूअस सॉल्व करना है, बताना है, फॉर्मूले भी याद रखना है रिजल्ट आने के बाद। बताइए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं कॉटेक्स का इंटीग्रल क्या होगा। मैं सॉल्व करूं,
यस अर्पिता सही है, परफेक्ट, मयंक सही है। देखिए क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल के लिए बड़ा सिंपल है प्रूफ। लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, क्या करोगे, कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स कर दो, डी एक्स। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो डी टी बराबर कॉस एक्स इंटू डी एक्स है ना, आई बराबर क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई साइन एक्स की जगह टी, सो दिस विल बिकम लॉग टी प्लस सी। व्हाट इज टी, लॉग टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। प्रूफ्ड, या ये आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है दैट इज लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी होता है, करेक्ट, ये याद रखना है। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी होता है। लिख लें इसको, देखो इंटेग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स है, तो लेट लेट आई बराबर इंटेग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो, सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। करेक्ट, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो अगर ध्यान से देखते हो आप, चलो इसको भी मैं, ये क्या हो जाएगा, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डी एक्स। आप बताओ यहाँ पे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x, आंसर log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये आंसर हो गया। तो और एक फॉर्मूला आया आपका कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला आता है दैट इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है, और ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या सबको, पता है क्या, सारे स्टूडेंट को समझ में आया। सर मुझे वो सेकंड स्टेप से आपने थर्ड स्टेप कैसे किया वो नहीं समझ। सेकंड स्टेप से, अरे मेरे भाई sec x plus tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है क्या, यस सर। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है क्या, यस। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है क्या, यस सर। हाँ, तो ये वाली फॉर्मूला लगा दिया ना अभी, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, बस हमने लगा दिया ये एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स है तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लगा दिया हमने, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी आंसर हो गया।
हो गया डन एवरीवन, लिख ले इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखें। जब sec x plus tan x को जब sin cos में करोगे तो sec x का ही फॉर्मूला और एक आता है इसी से रिड्यूस करके, वो भी मैं बता दूं यहाँ पे, इज इक्वल टू log ऑफ tan 45 प्लस x बाई टू, ठीक है, प्लस c log ऑफ tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, sec x प्लस tan x को ही sin x cos x में करेंगे तो ये आता है। तो दोनों याद रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ sec x dx का फॉर्मूला एक होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी या log ऑफ tan 45 प्लस x बाई टू प्लस सी, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड ये भी लिख लेंगे दोनों। नेक्स्ट आता है cosec x का, कोसेक एक्स का इंटीग्रल, जरा आप लोग ट्राई करेंगे कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। हाँ मयंक बोलो। सर मैं यही पूछ रहा था, वो पिछले वाले स्लाइड दिखाने। नेक्स्ट 1 मिनट जल्दी लिखिए इसको और फिर कोसेक एक्स का इंटीग्रल निकालिए आप। मैं नेक्स्ट पेज पे मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। कोसेक एक्स का इंटीग्रल ट्राई कीजिए आप लोग यहाँ पे, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे जरा ट्राई कीजिए। तो देखिए कोसेक एक्स का वैसे ही है जैसे सेक एक्स का है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लेट एज्यूम कर लो, लेट आई बराबर क्या होगा इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, है ना। लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोसेक एक्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, अब फिर वही बात आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, जैसे सेक एक्स आपने किया वैसे ही आप यहाँ पे कर ले। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, अच्छा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स से क्या होगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फिर से वही बात हो गई ना कि जो न्यूमरेटर में जो दे रखा है वो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन है क्या, हाँ या ना बताइए, क्या जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, यस सर नो। यस सर।
तो फिर से वही फॉर्मूला आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है, आई बराबर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रल। फिर से मैं बता दूं कि अब फिर से साइन कॉस में कोसेक एक्स कॉट एक्स को इसी को अगर साइन कॉस में करोगे तो ये भी इंटीग्रल आता है लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू लॉग लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहीं कहीं जरूरत के अनुसार हम दोनों यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स का लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, और इसका इंटीग्रल या ये भी होता है लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी। जैसे सेक एक्स के लिए हमने बताया था कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है, दूसरा लॉग टेन 45 प्लस एक्स बाई टू होता है, तो दोनों जरूरत होता है, इसी का एक्सटेंशन ये है, वैसे ही इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स का ये और ये दोनों होता है, ठीक है। इसको लिख ले, मैं एक बार फिर से लिख लूँ, ये सारे याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट हम यूज करेंगे सारे फॉर्मूले, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी, दीज आर द फॉर्मूले विच यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। लिख लें आप इसको, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार जस्ट मुझे बता दीजिए सब कुछ समझ में आ रहा है तो जस्ट चैट बॉक्स में यू कैन टेल मी कि सर क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है तो। थैंक यू, चलिए सर क्लियर। हाँ जी बोलिए। सर वो कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने इधर लॉग लॉग को टेन एक्स बाय टू में? नहीं, इसको बस फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, मैंने जस्ट बताया कि कोसेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, और ये भी होता है। अब ये कैसे आया, तो कॉस कोसेक और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आ जाता है, तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मैंने बताया। देखिए यहाँ पे आप जरा सोचना है यहाँ पे कि ये देखो, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला तो ध्यान में नहीं आ रहा है सच, बट अगर हम देखें ई रेशू थ्री एक्स प्लस वन को अगर हमने टी एज्यूम किया, मान लो ये आई है और पुट ई रेशू थ्री एक्स प्लस वन को अगर हमने टी एज्यूम किया थोड़ी देर के लिए, यस अर्पिता थोड़ी सी गलती हो गई है, डिवाइडेड बाई थ्री भी होना चाहिए ना, ऐसे मुझे लग रहा है, बिकॉज ई रेज टू थ्री एक्स है तो एक्स का कोएफिशिएंट थ्री से तो डिवाइड होना चाहिए। या तो ई रेज टू थ्री एक्स प्लस वन को आप जैसे टी आप एज्यूम करेंगे तो क्या करोगे, डी टी बाई डी एक्स निकाल लोगे, कुछ सब्सटीट्यूट किया तो डिफ्रेंसिएशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ई रेज टू थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू थ्री एक्स और थ्री एक्स का ई, तो डी टी बराबर थ्री ई रेज टू थ्री एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब ये देखो कितना अच्छा होता, ऐसे नहीं लग रहा है कि कितना अच्छा होता कि ई रेज टू थ्री एक्स डी एक्स बाय e रेशियो थ्री एक्स प्लस वन होता, आपको नहीं लग रहा ऐसे कि काश यहाँ पे थ्री होता, थ्री ई रेशियो थ्री एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते, तो थ्री डाल दो आप। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, खुद से थ्री डाल दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और इसके जगह डी टी रख दो, फिल कीजिए आप ना इंटीग्रेशन, जब आप थोड़ा सोचो थोड़ा एक प्लानिंग थोड़ा बहुत करना जरूरी होता है इसमें, ई रेज टू थ्री एक्स प्लस वन को टी रख दिया, अब ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, वन बाई टी का लॉग टी होता है, और
टी की जो वैल्यू है आपके पास सामने है, हमने किसको टी अज्यूम किया किया था, ई रेशियो थ्री एक्स प्लस वन, 1/3 सर लॉग ई रेशियो थ्री एक्स प्लस वन। हाँ श्याम बोलिए सर, ये dt by dx 3 into 3 e raised to 3x कैसा है, मैं समझा नहीं। डिफरेंशिएट किया ना डियर, e raised to 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e raised to 3x into 3 होगा ना चैन रूल, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यही होगा ना। ओके सर समझा क्या श्रेयान? हाँ सर मैं दूसरी तरफ से सोच रहा था इसलिए। ओके ओके इसको लिख लीजिए आप लोग। आई होप दैट एवरीवन हैज गॉट The same answer and everybody understood. किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इंटेग्रल ऑफ ई रेस टू 2x प्लस 1 बाय ई रेस टू 2x माइनस 1 dx। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, इतनी प्रैक्टिस कि कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगे। और एक चैलेंज किया है आपने, चैलेंज किया मतलब आप लोग अपने आप से चैलेंज कीजिए, 1000 प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल से, दोनों से मिलकर कम से कम 1000 प्रॉब्लम। अब 1000 टारगेट रखोगे तो 500 के आसपास होगा, 700 होगा, कुछ स्टूडेंट्स 800-900 भी कर सकते, कुछ स्टूडेंट्स 1000 से ज्यादा भी कर सकते हैं पूरा। जो मैं तो मैंने फर्स्ट बैच में भी बोला है, आपको भी बोल रहा हूँ, टारगेट रखे 1000 प्रॉब्लम का, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो सॉल्व एग्जांपल सॉरी इतनी बार बार प्रैक्टिस करो ना कि लगे अरे यार ये तो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। ठीक है बताइए, इंटेग्रल ऑफ ई रेशियो टू एक्स प्लस 1 बाई ई रेशियो टू एक्स माइनस 1 डी एक्स का इंटेग्रल क्या होगा? यहाँ पे इसको t लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो नहीं आ रहा है। तो एक काम हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे e जब ऐसा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e रेस टू x से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है तो पहले तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ, लेट i बराबर e रेस टू 2x प्लस 1 बाय e raised to 2x minus 1 dx, dividing numerator and denominator. Dividing numerator and denominator by e raised to x. So, आप पूछोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि e raised to x को डिवाइड करना है? प्रैक्टिस से पता चलेगा, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स, तो आपको मिल जाएगा आई बराबर ई रेस टू 2x प्लस 1 बाय ई रेस टू एक्स बाय, ये थोड़ा बड़ी इंटीग्रल की साइन बना दे, है ना, मेहनत करना है, मेहनत करने से भागनी नहीं है। मैं भी बहुत अभी भी मेहनत करता हूँ, पता है आप लोगों को, जब व्हेन एवर आई गेट टाइम आई स्टडी अ लॉट। सो ई रेस टू 2x बाई ई रेस टू एक्स कितना हो जाएगा,
ए रेज टू एक्स, करेक्ट। वन बाई ए रेज टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू माइनस एक्स, ए रेज टू एक्स बाई ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, वाओ, वन बाई ए रेज टू एक्स माइनस। अब देखो कुछ काम बनेगा क्या, ए रेज टू एक्स माइनस ए रेज टू माइनस एक्स को अगर हमने टी एज्यूम कर दिया तो डी टी बाई डी एक्स क्या ये आएगा क्या, बोलना हाँ या ना। अब yes. अब इसको अगर हमने टी एज्यूम कर लिया तो अगर डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखो आप यही आ जाएगा डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन ये है सिंपल, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स, बट माइनस एक्स का माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो बस देख लेते हैं, पुट e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बराबर डी, तो डी टी बाई डी एक्स जो हो जाएगा e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स का e रेज टू माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, विच हैज बिकम प्लस वन, प्लस। अतः डी टी बराबर e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, बस i बराबर इसके जगह, इसके जगह डी टी रख दिया अपन बाय t, तो ये क्या हो जाएगा log t प्लस t की तो वैल्यू पता है आपको, log of e raised to x minus e raised to minus x plus c, ये रहा आंसर। हमें यह समझा क्या, क्या गलत हो, कहां पे आपका गलत हुआ था, साइन में, यहां पे आपका प्लस आ रहा था, आई होप दैट यू हैव गॉट इट, क्लियर है सर? हाँ जी बताइए सर, हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इधर मैंने क्या किया, t equals to e raised to power 2x minus 1 लिया और उसका dt by dx निकाला। हाँ मतलब आपने wait 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 e raised to 2x minus 1 को आपने t assume किया है ना? Yes sir। हाँ फिर उसको dt by dx निकाला तो क्या मिला आपको, ये थोड़ी आएगा e raised to 2x plus 1 तो नहीं आएगा। Yes sir, लेकिन अगर हमने उसको split कर दिया, मतलब i equals to, you can't split dear, how can you split? ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, ये तो प्लस है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस है, इसको कैसे स्प्लिट करोगे? सर मैंने ऐसे किया dt by dx, मतलब dt by dx इसका 2 into e ratio 2x आएगा, आगे बताइए। प्लस 1 by t, प्लस 1 by t dx, प्लस 1 by t किधर से आ जाएगा, आपने e ratio 2x minus 1 को t assume करोगे दोस्त, तो dt by dx निकालोगे तो ये 1 तो कांस्टेंट है इसका, तो 0 आ गया डिफरेंशिएशन, और e raise to 2x तो क्या होगा, e raise to x का डिफरेंशिएशन e raise to x, और 2x का 2, तो इसका पूरे नीचे का जो डिफरेंशिएशन होगा that will be 2 times of e raise to 2x, तो dt by dx जो आएगा वो 2 times of e raise to 2x dx आएगा। यस सर, हाँ। सर मैंने उसको मतलब e raise to power 2x है ना, तो उधर उसे लाने के लिए मतलब मैंने क्या किया dt by dx मतलब e raise to power 2x by e raise to power 2x minus 1 plus 1 by e raise to power 2x minus 1 ऐसे लिया और उसके हिसाब से सर मैंने सॉल्व किया। अभी गलत है ना आपका आंसर सही आ रहा है उसमें? यस सर। सर अगर इसे ही हमने सिंपलीफाई किया तो वैसे आएगा, मतलब आप जैसे बता रहे हो वैसे मुझे गलत लग रहा है, देखो आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे देखो e raised to 2x है माइनस वन है, आपने इसको t लिया ठीक है, यस डी टी बाई डी एक्स आपने किया तो ये 2 e raised to 2x आ गया बराबर, और आप ये बोल रहे हो कि सर e raised to 2x की जगह, क्या आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि इसके जगह आपने ये लिख दिया dt by 2 dx? यस सर वैसे किया मैंने, लेकिन फिर ये फिर क्या होगा, dx का क्या होगा, कैंसिल करने वाले हो क्या आप? सर तो उधर मैंने वो स्प्लिट कर दिया, वैसे e raise to power 2x को सब्स्टिट्यूट करना है, e raise to power 2x dx को अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर मैंने जो 1 है प्लस 1 उसको अलग रख दिया, अलग से।
कितना कष्ट लिए हो इसको सॉल्व करने के लिए, डी टी बाई टू डी एक्स, फिर अब यहाँ पे वन रखेंगे, फिर इधर डी एक्स है, अब आगे कैसे करोगे आप सॉल्व? फिर यहाँ पे वो होगा क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी एक्स आएगा, यहाँ पे डी टी आएगा, ऐसे थोड़ी होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं, वो प्लस वन है ना, वो अलग रख दिया। अरे कहाँ वन रखोगे, वही तो बताओ, वन किधर रख दिया तुमने? सर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया मैंने, मतलब डी टी बाय टू डी एक्स अपॉन, सर अभी मैं आपको दिखाऊं, मुझे ऐसे आप ये गलत है, मैं बता रहा हूँ ना कि गलत है, आप अगर कॉन्फिडेंट अगर होते, अगर सही होता तो आप मुझे एक्सप्लेन कर पाते, सिंपल सी बात है ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ऐसे होता नहीं एक्चुअली, कि सिर्फ आप इसका वैल्यू यहाँ पे निकाले, टी के फॉर्म यहाँ पे रख दिया, फिर डीएक्स से क्या होगा, डीएक्स अगर देख भी रहे हो फिर तुम ऐसे होगा ना, ऐसे तो तुमने किया है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई तो किया रहोगे ना तुमने, इसको मल्टीप्लाई तो आपने किया होगा ना, फिर व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, ये डीएक्स डीएक्स खत्म हो जाएगा, फिर ये डीएक्स आएगा, ये डीटी के टर्म्स में आएगा, ऐसे नहीं होता है मैं बता रहा हूँ, ये नहीं होता, इसीलिए हमने पहले अलग से यहाँ पे ई रेस टू एक्स के फॉर्म में डिवाइड किया, इस फॉर्म में आया, ये पूरे कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये है, तब मैंने टी एज्यूम किया, समझ में आया क्या? यस। ठीक है, सब कुछ समझ में आया क्या, ये वाली क्वेश्चंस? यस सर, फिर एक ही मिनट में इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। हाँ, आप लोगों को ब्रेक भी चाहिए, मैं भूल गया था ब्रेक देना, कितने लोगों को ब्रेक चाहिए, जस्ट रेज योर हैंड्स, नहीं नहीं दे देता हूँ 10 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, फिर चलिए ठीक है। अभी 5 बज रहे हैं ना, 5 बज रहे हैं, मैं 5:10 में फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है? सो राइट नाउ अब मुझे चलेगा, आपको चलेगा, बाकी स्टूडेंट्स को चलना चाहिए कि नहीं, उनसे उनको भी सबको देख रेख कर चलना है ना, ठीक है? इट इज ओके, ब्रेक चाहिए तो 10, मुझे बताया गया ऑफिशियली, बोला गया ब्रेक देने के लिए बच्चों को, तो हाँ तो हम 5:10 पे मिलते, 5:11 को मिलिया, 5:01 हो रहा है, 5:01, विल मीट एट 5:11, लीव नहीं करना है, बस आपको म्यूट कर लो, ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट बाद, थैंक यू। तो इंटेग्रल ऑफ 1/4x प्लस 5x रेस टू -11, ऑफ कोर्स ये x के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे dx है, ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, लेट i बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/4x प्लस 5x रेस टू 11 dx हो जाएगा, राइट? इसको हम लिख सकते हैं i बराबर x रेस टू 11 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x रेस टू 12 प्लस 5 dx। अब देखो थोड़ा सा देखने के बाद पता चल जाता है ना कि अगर डिनोमिनेटर को t लिया और डिफरेंशिएट किया तो कुछ तो आएगा, 12x रेस टू 11 तो पक्का आ जाएगा क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है? तो पुट 4x raised to 12 plus 5 equal to t ले लो आप और dt by dx निकालिए आप, तो 4 into x raised to 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12x raised to 11, तो ये हो गया 48x raised to 11, dt बराबर क्या हो जाएगा, 48x raised to 11 into dx, राइट? ठीक है, तो x रेस टू 11 dx है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt by 48, राइट? i बराबर
देख लीजिए, x रेस टू 11 dx की जगह हम dt by 48 तो लिख ही सकते हैं, 48 को बाहर, इसको t लिख दिया और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ t प्लस c, तो 1 बाई 48 लॉग t की जगह क्या आ जाएगा, 4x रेस टू 12 प्लस 5 प्लस c आंसर। समझ में आया क्या सबको, कोई भी दिक्कत हो रही है, परेशानी कहीं भी है समझने में, प्लीज रिवील योर डाउट्स टू मी, आई बी मोर हैप्पी व्हेन समबडी यू नो टेल्स की सर ये चीज नहीं समझ में आया है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस वो भी उसमें से भी मैं करा रहा हूँ जो होमवर्क दिया था। इंटीग्रल ऑफ रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सब्सटीट्यूट करें, ठीक है तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ रूट टेन एक्स बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है मैं क्या बता रहा हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलेगा मुझे, रूट टेन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है अब देखते रहिए आप। तो आई बराबर ये देखो 1 by cos square x है तो कितना आ जाएगा sec square x, into root tan x, देखो cos cos खत्म हो जाएगा, और sin x by cos x कितना आ जाएगा tan x आ जाएगा ना यहाँ पे, और root x by x तो नीचे रूट एक कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ, ऐसे आ जाएगा रूट टेन एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। आई बराबर सेक स्क्वायर डी एक्स बार स्क्वायर रूट के अंदर में टेन एक्स, तो पुट टेन एक्स इक्वल टू टी dt by dx जो होगा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec square x, तो sec square x dx equal to dt, ठीक है तो i बराबर sec square dx की जगह dt आ जाएगा root t। अब आप ही देखो t का पावर माइनस हाफ dt, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा t का पावर हाफ प्लस वन करेंगे डिवाइडेड बाई हाफ प्लस c, तो कितना आ जाएगा i बराबर ये हो गया ये 2 आ जाएगा 2 रूट टी प्लस c, और t का मतलब क्या tan x, बस ये आंसर है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, ठीक है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि होमवर्क जो दिया जा रहा है कैसे भी वो सॉल्व होना चाहिए ताकि तब उसमें पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, होमवर्क होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, ऐसे फिर तो लगेगा कि सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है चलिए इसको लिख लें आप, प्लीज नोट इट डाउन एंड इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो करेंगे, तो ध्यान से देखना लिखना मत। Integrals of the form integrals integrals of the form, अगर integrals इस तरीके का रहे इस form में, मान लो a sin x
प्लस बी कॉस एक्स बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है, इंटेग्रल शब्द फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और इस फॉर्म में हो ए ई रेस टू एक्स प्लस बी बाय सी ई रेस टू एक्स प्लस डी डी एक्स. तो ये जो इंटेग्रल्स है ना इस फॉर्म में, ये आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा. पर इस फॉर्म में अगर इंटेग्रल्स होता है तो हमारा मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट. तो इस फॉर्म में अगर कोई भी रहे तो हमारा स्टेप्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि न्यूमरेटर को हम रिप्लेस कर देते हैं. न्यूमरेटर को, ये तरीका होता है चाहे ये हो या ये हो, हम एग्जाम्पल के भी थ्रू समझेंगे. न्यूमरेटर इक्वल टू ए ए इंटू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर ध्यान से देखना, ये मेन फंडा है. न्यूमिनेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है कंपेयर करके, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस की मदद से. ठीक है, जैसे लेट से ये तो जनरल फॉर्म है ये दोनों, मैं एक समझाता हूँ यहाँ पे. न्यूमिनेटर इक्वल टू मान लो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, तो ए इंटू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज डिनोमिनेटर सर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स. ये ऐसा क्यों करते हैं ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और कुछ यहाँ पे कारण नहीं है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, सी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. अब यहां से हम कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन. ठीक है, क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आ गई, तो जनरल फॉर्म है ना, तो यहाँ से ए और बी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं. एक्चुअली होगा क्या, न्यूमरेटर को ए जब रखोगे ना, ये देखो ये तो वन हो जाएगा प्लस और नीचे का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, राइट. तो हाउ इट विल लुक लाइक, जस्ट लेट मी राइट, दिस इक्वल टू दिस, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह ये है, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, जरा देखना ए न्यूमरेटर इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. चलो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, नहीं तो आपको समझेगा नहीं. सी साइन एक्स प्लस डी कॉस ऑफ एक्स, एक बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है तो दिक्कत तो नहीं, बाय या ये भी मैं, ठीक है, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी है तो डी एक्स प्लस बी, तो बी की भी वैल्यू कुछ तो आएगी, कॉन्स्टेंट होगा, इंटेग्रल ऑफ, फिर ये आ गया सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, है ना. तो अब एक चीज यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जनरल फॉर्म जिस मैं बता रहा हूं, तो आपको कैसा दिखेगा, ए इंटेग्रल ऑफ डी एक्स निकाल लोगे प्लस बी. ये क्या है, देखो जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. एक कोरोलरी पढ़ा था क्या हमने, एफ डैस एक्स बाई एफ ऑफ एक्स पढ़ा था, हाँ या ना, एफ डैस ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, राइट.
लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। आप बोलोगे सर किधर पढ़ा था, दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ। इधर किधर है भाई, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स था, बस इसी का यूटिलाइज यहाँ पे हमको कर लेना है। देखो तो मैं ये तो वैसे ही हो गया, डी एक्स प्लस सी कॉस एक्स, मैं इसको और एक बार लिख देता हूँ, सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। अब बड़े आराम से ना देखो, ए एक्स प्लस ये अभी क्या, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब सी साइन एक्स प्लस डी कॉस ऑफ एक्स प्लस सी डैश, या कोई तो सी दे दीजिए आप, राइट, ये आंसर हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू थोड़ा नहीं निकाल पा रहे हैं एक्चुअल, जब क्वेश्चन आप बी हम देंगे तो वहां पे मैं समझाऊंगा कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं कंपेयर करें, बट मैकेनिज्म यही रहे। न्यूमरेटर को ध्यान में रखना है, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स सब डिनोमिनेटर लिखना है, बस इतना ध्यान में रखना है, फिर बाकी के आगे के क्वेश्चन खुद सॉल्व हम अपन करेंगे, तो इट विल बिकम वेरी इजी। इतना पहले लिख लें आप, फिर हम क्वेश्चन इसके दिखा दो कैसे पूछे जाते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में तो प्लीज बताइए आप, ठीक है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। सो प्लीज नोट इट डाउन इफ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, मान लो इवेल्युएट, राइट ऑन द क्वेश्चन, इवेल्युएट evaluate integral of evaluate integral of 4 sin x minus 38 cos x 4 sin x minus 38 cos x by 5 sin x minus 11 cos of x dx, right? Evaluate 4 sin x minus 38 cos x by 5 sin x minus 11 cos x dx. Right? So how to solve these questions? Right? ध्यान देंगे आप, I बराबर मान लेते हैं integral of 4 sin x minus 38 cos of x by 5 sin x minus 11 cos x dx, correct? तो मैंने क्या बताया, कौन सी फॉर्म पे है, a sin x plus b cos x by c sin x plus d cos x के फॉर्म में है। तो what are the rule, कि न्यूमरेटर को हमको लिखना है 4 sin x, पहले लिखना मत, पहले समझ लो प्लीज, बस देखना है अभी, is equal to a into क्या था रूल, a into denominator, ठीक है, तो a into denominator में क्या है, 5 sin x minus 11 cos x plus b into differentiation of denominator sin x minus 11 cos x। बिल्कुल शांत मन से ध्यान से एक बार देख लो, फिर आसान हो जाएगा, बहुत आसान है। a 5 sin x minus 11 cos of x plus b differentiation of this, मतलब 5 sin x का differentiation cos of x, cos x का minus sin x, तो 11 sin x हो गया, ठीक है। अब रही बात a और b की वैल्यू का, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, 4 sin x minus 38 cos x, तो sin x वाले को एक जगह करते हैं और cos x वाले को एक जगह करते हैं, ठीक है, राइट साइड वाले को, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी है ये, तो साइन एक्स वाले पे एक जगह और कॉस एक्स वाले पे एक जगह, तो इधर कितना है, 5 a साइन एक्स और 5 b 11 b साइन एक्स, तो साइन एक्स को मैं कॉमा निकालता हूँ, यहाँ से 5 a आ जाएगा और यहाँ से 11 b आ जाएगा, राइट, फिर वैसे ही कॉस एक्स
एक जगह रखते हैं, जैसे माइनस 11 ए आएगा और यहां से 5 बी आ जाएगा, राइट। अब जस्ट कंपेयर कर लीजिए, साइन एक्स दोनों इक्वल है तो कंपेयर करने पे साइन एक्स की जो कोएफिशिएंट होनी चाहिए वो दोनों इक्वल होनी चाहिए और कॉस एक्स की भी कोएफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए, सिंपल। तो बस ऑन कंपेयरिंग 5a प्लस 11b इक्वल टू 4, राइट। यहाँ पे कोएफिशिएंट इधर क्या है, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 11a प्लस 5b, माइनस 11a प्लस 5b इक्वल टू माइनस 38, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब आप करोगे यहां से, ये दो इक्वेशन है, a और b की वैल्यू निकालनी है कि नहीं, दे आर द टू इक्वेशंस, राइट। यहां से आप a और b की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, राइट। तो आप निकाल सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से, इधर उल्टा कर तो दिया है, यहां पे देखो 5a प्लस 11b इक्वल टू 4 माइनस 11a प्लस 5b इक्वल टू 38। हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जोड़ दो, 55a प्लस 121b इक्वल टू 44, फिर 55a प्लस 25b इक्वल टू 190, ये कैंसिल हो जाएगा, 121 प्लस 25b कितना हो गया 146b, राइट। एंड इसको भी जोड़ दें आप तो 190 और 44, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 234 बाई 146, यस। तो यहाँ पे हमने कुछ तो गलत किया है, 100% गलत किया है, माइनस 11 प्लस 5b इक्वल टू माइनस 38 ना, दिस इज माइनस 38, ये होगा माइनस 190, माइनस 190 प्लस 44, माइनस 190 प्लस 44 हो जाएगा 8 माइनस 4 6, 8 माइनस 4 4 146, राइट, माइनस 146। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस 1, राइट, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब a की भी वैल्यू, जब ये b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर और हियर, यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एज, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू निकली, b की वैल्यू निकली। यहां तक समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को, बताइए पहले, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। हमने बस यही किया है कि न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको सॉल्व किया है, ए और बी की वैल्यू निकाला है कंपेयर करके। अब बस ए और बी की तुम जैसे ही वैल्यू निकाल लोगे ना, वैसे ही क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो कैसे, नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूं, आई बराबर, अब देखते रहना, ये न्यूमरेटर है, ये दिस न्यूमरेटर इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया ना, नहीं तो एक काम करते हैं यहां पे ये लिख लेते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू दिस, इसको हम रेफर करेंगे, ज्यादा आसान रहे। ये तो हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ऐसे करें, ठीक है, ए और बी वाले को अलग रखें। तो ए, ए की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे 3 है, चलो एक बार मैं तुमको रख देता हूँ वैसे एज इट इज दिखा दूं, नहीं तो आप बोलोगे सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू 5 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस बी इंटू 5 कॉस एक्स प्लस 11 साइन एक्स, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। वाव, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स, 5 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स। अब क्या करेंगे अपन, सेपरेट कर दो, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं,
को बाहर निकालिए सर जी। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बताओ, ये और ये कैंसिल होगा, यस और नो? बिकॉज़ डीएक्स बच गया, यस सर। ये डीएक्स बच गया, प्लस अब दिस बाय दिस, तो बी भी एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ऊपर में क्या बचेगा, 5 cos x प्लस 11 sin x बाय, लिखना नहीं, अगर लिखेंगे तो नहीं समझेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बस ए और बी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस, पटकन रख दो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, 5 cos x, वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग द फाइनल आंसर, 5 sin x -11 cos x dx। जरा ध्यान से देखो, ये 3x माइनस, ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स है क्या, सच्ची बताओ, ये दिल से बताओ, ये क्या जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है कि नहीं है ना, ये न्यूमिनेटर जो है डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसीलिए तो यही तो तरीका था कि हम लोग ऐसे न्यूमिनेटर को रिप्लेस कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि फॉर्मूले पे आ जाए, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई बराबर 3x माइनस लॉग ऑफ 5 sin x माइनस 11 cos x प्लस सी। बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया जो मैंने सॉल्व किया, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, रेज योर हैंड्स प्लीज। वेरी गुड, इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड, कोई है जिनको समझ में नहीं आया है, बताइए। ठीक है, अच्छा, दीज आर दी हैंड्स, ओके ओके, जिनको समझ में आ गया है वो हाथ नीचे कर लें, प्लीज गेट योर हैंड्स डाउन, दोज हु इज एबल टू अंडरस्टैंड। श्यान आप हैं क्या, आप आर यू देयर, हेलो 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 श्रेयान, ओके, इज इट, अब हाथ उठा दो जिनको समझ में नहीं आया, इज इट एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टूड प्लीज, ओके थैंक यू, फिर आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिया,